मोस्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स। नंबर 6, पश्चिम पापुआ की संपर्क रहित आबादी। वह न्यू गिनी के वर्षावनों के पश्चिम पापुआ क्षेत्र में 40 से अधिक पृथक जनजाति समूह रहते हैं। नंबर 5, कवाहिवा आबादी, ब्राजील। ब्राजील में अमेजन वर्षावन के वनों की कटाई ने कवाहिवा लोगों को खानाबदोश जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया है। लगभग 30 लाल सिर वाले लोग आना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। नंबर 4, अयोरियो की मूल जनजाति। अयोरियो के अधिकांश लोग यूरोपीय मिशनरियों द्वारा अपनी पारंपरिक शिकारी संग्रहकर्ता संस्कृति से अपनी मर्जी से या कभी कभी जबरन परिवर्तित हो गए थे। लगभग 100 लोगों का पता लगाया जाना और उनसे संपर्क किया जाना बाकी है। नंबर 3, पेरू का माश्को पीरो जनजाति, जो पेरू के अमेजोनियन जंगल को घर कहते हैं। माश्को पीरो की संख्या 800 से कम है। नंबर 2, ब्राजील का आबा, वर्ल्ड्स मोस्ट सर्वाइवल इंटरनेशनल के अनुसार संकटग्रस्त जनजाति। पूर्वी वर्षावन में अवाया लोगों को प्रायोगिक अरबों से बहुत परेशानी हुई। जनजाति के लगभग 100 सदस्यों को बाहरी दुनिया का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। जनजातियों की कुल जनसंख्या लगभग 350 है। नंबर 1, दी सेंटिनलीज, अंडमान द्वीप समूह। भारत के लोगों का यह समूह मानवता से इतना दूर हो गया है कि वे केवल शिकार इकट्ठा करने पर ही निर्वाह करते हैं। इस द्वीप निवासी भारतीय उपमहाद्वीप समूह की विशिष्ट जनजातियों की जनसंख्या अज्ञात है। बाहरी लोगों से उनका कभी दोस्ताना व्यवहार नहीं रहा। सेंटिनली से संपर्क करने वाली पहली महिला मानव विज्ञानी मधुरमाला चट्टोपाध्याय थी।